नमस्कार। आज आपके व्यूअर्स दर्शक आपको देख रहे हैं, कई दिनों बाद देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? अभिवादन। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, नमस्कार। तो आज हमारा इंटरव्यू इस मामले में शुरू होगा कि आपको भारत के अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 के विषय में कुछ, हमारे वैज्ञानिकों की सफलता के विषय में कुछ कहना चाहेंगी, उनका प्रोत्साहन करना चाहेंगी। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सफलता तो मिली है, वहाँ तक तो पहुँच ही गया है और अभी भी उनसे संपर्क संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और संपर्क हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रयास लोग करेंगे। वैसे वहाँ वो पहुँच तो गया है, वहाँ से तस्वीरें भेज रहा है, बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन सफलता तो रही है कि वहाँ तक हमारे वैज्ञानिक पहुँच गए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इस महीने के, जो बीते महीने के मुख्य मुद्दों पर। आपको, जैसे महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि कश्मीर भारत का ताज है, ताज को छेड़ोगे तो सर पे चोट लगेगी और इस तरह से, लेकिन सबको, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 370 आर्टिकल हटेगा। सबको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि 35 से या कुछ ऐसा होगा, लेकिन पूरा का पूरा 370। तो आपको मोदी सरकार का ये रुख कैसा लग रहा है? सरकार का रुख बहुत बढ़िया लगा, और इतने हमारे देश के सैनिक जो मारे जा रहे थे, आई लोगों से बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग अच्छे से सैनिकों का साथ दीजिए, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे थे। कुछ न कुछ ये लोग बढ़ावा दे रहे थे, पत्थरबाजों को ये लोग जेल से छुड़वा दे रहे थे, और कोई विकल्प ऐसा नहीं आ रहा था कि क्या हम करें। तो उन्होंने अपना एक तोड़ निकाला कि इन लोगों को, जो वहाँ इन लोगों की सरकार बनी बैठी थी, उन लोगों को खत्म करने के लिए 370 और 35 ही उन्होंने हटा दिया, और इस तरीके से हटाया कि इन लोगों को रातों रात खबर नहीं मिली, नहीं तो ये लोग उसी समय दंगा करवा देते। ये लोग तो जिंदगी भर नजरबंद इन लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ लोग वहाँ हैं जो कि दंगा कराने के लिए लो नोन, अच्छा, ये लोग दंगा कराने के लिए एकदम बेचैन है। इन लोगों का ये है कि हमको वही राज्य चाहिए जो हम राज करते थे। एक ही दो परिवार राज्य करता था और केंद्र से सब सहायता जाती थी, वहां से भी था। पता नहीं क्या ये लोग अपने देश को बना रखे थे, ये लोग खाली सुरक्षित हैं, चाहे पूरे देश में बम फटे। तो पैसा तो, जैसे अब ये राज करते, मुख्यमंत्री बनते, तो इनको तब भी मिलता है, ऐसा तो नहीं है? तो फिर उनमें क्यों इतनी बेचैनी थी? क्या उनको पाकिस्तान से भी कुछ रुपया ऐसा लगता है कि मिलता था? मिलता जरूर रहा होगा, जैसे राहुल गांधी जी हैं, इनको भी बहुत खराब लगा जो कांग्रेस पार्टी के हैं। अरे ये नहीं तुम देख रहे हो कि जिस देश में तुम रह रहे हो वहां के सैनिक मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है। आप लोगों को कोई अच्छा निर्णय लेने, आज तक तो अच्छा निर्णय लेने अब कोई लिया तो उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं आप लोग। ये नहीं सोच रहे हैं कि देश में शांति और देश के सैनिक जहाँ बॉर्डर पर तैनात हैं, उसी वजह से तो हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हमारे रिश्तेदार, चाहे हमारे घर के लोग कहाँ कहाँ हर जगह हैं, कोई भी मरता तो हमको तकलीफ तो होती ही। पता नहीं इन लोगों के परिवार को ये लोग पता नहीं बता के कि यही कश्मीर में रहो, यही बम ब्लास्ट नहीं होगा, और चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, सब जगह होगा। तभी तो ये लोग 335 से और 370 हटाने पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। भाई शांति जिस तरह से बहाल हो वही काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, ये नहीं समझ में आ ये रहा। नहीं समझ में आया, पता नहीं कौन रिश्तेदारी पाकिस्तान से थी, मतलब ये नहीं राहुल समझ। गांधी को तो इसमें भी, जैसे मायावती को देखिए, हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहती, लेकिन इस मौके पे देखिए उसने, आप राजनीति करिए, लेकिन देश के जहां रक्षा का सवाल है वहां आप उसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि आप भी उसी देश में रह रहे हैं जहाँ की सब जनता रह रही है। आप पाकिस्तान में जाके नहीं रह रहे हैं। अगर पाकिस्तान इतना अच्छा ही लग रहा है कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, वहाँ की सरकार बड़ी अच्छी है, वहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो हम तो कहने समझौता ट्रेन से चले जाओ। अच्छा समझौता। अच्छा, पाकिस्तान का 370 हटने के बाद कह रहा है कि कश्मीरों पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये स्टैंड उसका 5 अगस्त से पहले का भी था, है? तो यानी उसके मुताबिक ये होना चाहिए कि 5 अगस्त के पहले कश्मीर में बहुत खुशहाली थी, लेकिन अब क्यों इतना बौखला रहा है? पाकिस्तान उसके कब्जे में था ही नहीं, जो हमारा कश्मीर है वो उसके कब्जे में था ही नहीं, लेकिन उस पता नहीं क्या आकर बम ब्लास्ट करता था कश्मीर के रास्ते से, चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो चाहे कुछ भी हो। समझ में नहीं आ रहा वो कब से अपना समझने लगा कश्मीर को। कश्मीर तो हमारा था ही, हम पहले से वहां तैनात थे, हमारी ही सरकार थी, लेकिन उसको बौखलाहट गिरगिट बलूचिस्तान और पीओके में जो जुल्म ढा रहा है, वो सोच रहा है कि बस हम छुपे तौर से इंटरनेट सेवाएं, चाहे जिस भी सैटेलाइट के माध्यम से वहां की सब चीजें दिखाई दे रही है कि आप लोग किस तरह से जुर्म उठा रहे हैं, एक जो आप कर रहे हैं वही हमको इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो देश में, हमारे देश में तो तुम्हारे
ज्यादा 35% मुसलमान है, लेकिन किसी के प्रति जाति नहीं हो रही। तुम 2% हिंदुओं के प्रति इतनी जाति कर रहे हो कि अपहरण करके आओ मुस्लिम विवाह करवा दे रहे हो, लड़कियों का अपहरण कर ले रहे हो क्या हिंदू लड़कियों ऐसा का। वाकई में पाकिस्तान में हो रहा हो है? रहा है। अभी तो जो ननकाना साहब है उनके मुखिया जो हैं वो उनकी लड़की को भगा ले गया मुस्लिम, वो तो इतना ज्यादा विरोध हुआ है तो शायद छोड़ा है। क्या छोड़ा है? हाँ, अच्छा, और रोज खबरें आ रही हैं। ये इमरान खान की बौखलाहट जो कह रहे हैं बम छोड़ इमरान देंगे। खान की मजबूरी है भाई, इमरान खान पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री है ही हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है सुर में सुर मिलाना, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो तख्ता पलट हो जाएगा। बाजवा तख्ता जो, हाँ, तख्ता पलट से क्या मतलब? तख्ता भारत पलट में में तो मतलब ये नहीं कि उनको होता। प्रधानमंत्री पद से हटा करके उनको भी फतवा जारी हो जाएगा, वो भी लंदन या अमेरिका में जाके बसेंगे। जैसे नवाज शरीफ को आज जेल में है और मुशर्रफ जो है इस समय लंदन में है कि अमेरिका में है। अच्छा, ऐसा होता इनका है इनके पाकिस्तान में? इनके यहाँ का प्रधानमंत्री सीधे वो भागता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तक के लोग नहीं छोड़ते हैं, मिलिट्री शासन है, जो मिलिट्री कहेगी वही करेंगे लोग। तो ये लोग चुनाव क्यों करवाते हैं? चुनाव खाली बस ये है कि सब देखो, देशों को देखने के लिए ढकोसला। इनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई वास्ता नहीं है, इनकी जो मिलिट्री कहेगी वही होगा। नवाज शरीफ भी आपको क्या लगता है इसी वजह से जेल में ठूसे गए सेना भाई के ये द्वारा? कोई भी दोष लगा करके 2-4 साल, 2 साल 1 साल किसी को रखेंगे, इसके बाद उसको फिर इन लोगों में एक अंदर से एक हलचल होती है कि इनको हटाओ और फिर दूसरा लाओ, एक दूसरा पुतला बैठाओ, और मिलिट्री के हिसाब से काम होता है, उन्हीं में कम पैसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके फौजियों के साथ, और फिर भेज देते हैं। अच्छा, वहां के कुछ मंत्री कह रहे हैं उनके पास पौना पौना भर के वो है न्यूक्लियर हथियार है। उनसे हमारी जो सेना है बहुत मजबूत है, वो जो गीदड़ धमकी दे रहे हैं अगर आ जाए तो एक बार देख ले। अब छुप करके कोई किसी का चाकू भोंक दे, चाहे गला काट ले, चाहे गोली मार दे, वो तो बात अलग है कि हम आराम से बैठे हैं, तुम आ करके बिना कुछ कहे ही तुम हमको मार दो, तो ये तो विश्वासघात हुआ। ये लड़ाई नहीं हुई, अगर लड़ाई लड़नी हो तो आके सामने से लड़ो कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, इसके बाद तब तुमको बताया जाएगा। अच्छा, चोरों की तरह से देश में घुसते हो नाली नूलों के माध्यम से। ये चीन में जैसे वो हांगकांग में वो लोग वहां के लोगों को मार रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता? चीन के पाकिस्तान की उइगर हैसियत ही नहीं है कि वो किसी देश के बारे में बोले। हाँ, पाकिस्तान के लिए कोई दूसरा बोले तो चीन थोड़ा बहुत इनका हथियार रहा है वही बोल सकता है, लेकिन इतना इंटरनेशनल इतना दबाव है कि मतलब वो भी नहीं बोल सकता है, गलत पर बोलेंगे तो इनको भी बाइकाट कर देंगे सब देश। अच्छा ठीक है, तो आप पाकिस्तान को कोई नसीहत देना चाहती हैं? पाकिस्तान समझ जा, और नहीं तो उन्हीं के एक मौलवी साहब हैं कह रहे हैं पाकिस्तान के काउंटडाउन बर्बाद होने की गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन कहते हैं, काउंटडाउन का मतलब समझते हो, 10, 9, 8, अच्छा, टका ये टकी 2020 तक, भाई उन्हीं उन्हीं के घर में उन्हीं का मुल्ला जो है भविष्यवाणी कर रहा है। एक लाल टोपी का कल दिखा रहा था लाल ना। टोपी तो वहां हंसी हंसी में लोग एक चुटकुला टाइप लोग दिखाते हैं, आज जो उल्टा सीधा बोलता है तो उसको लोग अपनी हेकड़ी बताने के लिए उसको वीडियो डाल रहे अच्छा, हैं। कल आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि वो बोला था कि हदीसों में लिखा है गजवाए हिंद होगा और फिर से ये पूरे कुछ भारत। नहीं होगा, बोल रहा है, बोलने तो बड़ बोली है वो, उसके एक आदमी को बोलने से क्या हो? आओ सामने से आओ, कहाँ हो गजवा हिंद, कहाँ आओ करो गजवा हिंद, तब मालूम होगा तुमको कि हिंदुस्तान में कितना दम है। ठीक है, अपना घर बनाने के बजाय दूसरे के घर में तुम बम फेंक रहे हो, तो एक बार आदमी अगर सही से उठ जाएगा तो ऐसा दाग देगा कि पूरा तुम नेस्तनाबूदे हो जाओगे। थैंक यू हमसे बात करने का, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।